तो नमस्कार, कारोबारी हफ्ते का मिडवीक सेशन है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आज है मंथली एक्सपायरी, क्योंकि कल है भारतीय बाजारों में छुट्टी बकरीद के मौके पर जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, सारे सेटअप जो है इंटैक्ट है, अच्छी तेजी, इनफैक्ट आज ऐसा संकेत हो सकता है अरमान की हम लाइफ हाई निफ्टी पे फाइनली आज के दिन में लगाते हुए नजर आ सकते। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार बोल देते तो मुश्किल हो जाता है, हम ना बोलते हैं तो ज्यादा सही है। चलिए देखिए, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये तो जारी रहने ही वाली हैं और हर वक्त रहती है। इनफैक्ट जब हम क्लोजनेस यहाँ पर अपनी जो गैप है उसको कम करते हुए नजर आते हैं तो क्लियर कट जो भावनाएं हैं वो मन से निकल कर आती हैं। बट बहरहाल जिस तरह का अभी मूड माहौल है, देखना होगा कि आज के सत्र में जो सेटअप है वो तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए करीबन ऑलमोस्ट 0.3% तक की तेज़ी यहाँ पर होती दिख रही है। लगभग 54 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहे हैं और ये इसलिए क्योंकि अमेरिकी बाजार कल के दिन में काफी शानदार, वहां पर जो इकोनॉमिक आंकड़े आते हुए दिखे उसके बाद रिएक्शंस आ रहे थे और बेहतरीन तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई। करीबन 0.6% की तेजी के साथ 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त डाउ जोन्स में आपको आती हुई दिखी। नैसडैक आप देखिए, टेक शेयरों का सपोर्ट जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आपको तेजी का रुझान आता हुआ दिखा है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर S&P 500 यहाँ पर भी तेजी थी। तो लार्जली ब्रॉडर मार्केट और साथ ही फ्रंटलाइन इंडेक्स दोनों ही फ्रंट पर काफी शानदार तेजी बनती हुई नजर आई। कल के सत्र में हमारे भी बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के संकेत और एक्चुअली फाइनली जो नंबर्स आता हुआ दिखा वो काफी शानदार रहा। देखिए सुबह से ही ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ तक फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे, 50-60 अंकों के दायरे में ही कारोबार हो रहा था, पर उसके बाद जिस तरह की चाल दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक ने पकड़ी, HDFC का जो अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा जो उनके मर्जर को लेकर, उसके बाद तो और भी बेहतरीन तेजी आपको अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर आती हुई नजर आ रही थी। तो चलिए इसी सेटअप के बीच हमारी आज की क्या रणनीति है, कुछ बाय कुछ सेल यहाँ पर आज हमने लिए हैं या नहीं, अरमान आपसे तो जानते हैं, मेरी तरफ से तो सारे के सारे भाई है। देखिए मैं तो जब मार्केट जब बहुत डाउन टर्न में होता है तब भी मुश्किल से एक या दो सेल लेता हूँ, तो आज जब सब पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो बहुत ही मुश्किल है सेल देना। तो आज 20 कॉल बाई के बिल्कुल एक्चुअल में आज 20 कॉल बाई के, 10 आपके 10 मेरे, और यहाँ पर जो बाई कॉल्स हैं वो हम आपके साथ अब शेयर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है कैश सेगमेंट की, इसमें कौन सा स्टॉक लिया अरमान? देखिए कैश सेगमेंट में जो एक स्टॉक लिया है मैं, वहाँ है टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिसका नाम बदला भी है। अगर आप देखें ओवरऑल ये स्पेस ही काफी बजिंग है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर इनको ऑर्डर LOA जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाया, लगभग 860 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ये वाली स्पेस को आप हर समय जब भी अगर एक गिरावट आती है तो इसके कई सारे स्टॉक है, किसी भी स्टॉक में आप अच्छे से खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि आज तो जो यहाँ पे इनको LOA मिला है लगभग 860 करोड़ के आसपास का, उसके चलते आपको दिख सकता है आज यहाँ पर मोमेंटम जो है बढ़िया आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 520 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 500 का। बिल्कुल, तो बेहतरीन तेजी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में आपको ये जो LOA मिलता हुआ दिखा है उसके बेसिस पर आती हुई नजर आ सकती है। चलिए मेरी नजर है आज बैंकों पर और उन बैंकों पर जिस पर S&P की रेटिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पर S&P की रेटिंग अपग्रेड आया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, जहाँ पर उन्होंने BB+ पहले रेटिंग थी उसको बढ़ाकर BBB- कर दिया है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ है कि जो भारतीय बैंकों पर S&P की अब राय बनती हुई दिख रही है वो एक स्ट्रांग रिकवरी के संकेत लगा रहे हैं और जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम इनका रहा है वो काफ़ी बेहतरीन ऐसा S&P मानकर चल रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह का रिएक्शन बैंकों में आना चाहिए उसमें यूनियन बैंक भी हेविली पार्टिसिपेट कर सकता है। 73 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाया, 70 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है और 68 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव स्पेस में हमने कौन से स्टॉक चुना है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है मेटल स्पेस से मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में GSPL का काउंटर। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कल US मार्केट्स में जो मेटल इंडेक्स है वो काफी शानदार बढ़ता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 3% के गेन्स वहां पर आते हुए दिख रहे थे और वहां के जो स्टील काउंटर्स हैं वहां पर भी बेहतरीन तेजी रही थी। तो और अगर आप कल का चार्ट सेटअप देखेंगे तो मेटल स्पेस भी काफी अच्छे एक्शन में था। GSPL ले लीजिए, सेल ले लीजिए, बेहतरीन तेजी वहां पर देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि GSPL कल का मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है क्योंकि अमेरिका से अच्छा खासा सपोर्ट पूरे के पूरे मेटल स्पेस के लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो 605 रुपए के टारगेट के लिए इसके जुलाई फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, 576 रुपए आपका होगा स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स में मैंने भी जो स्टॉक लिया है वो है मेटल स्पेस से ही, जैसा कि कुशल ने ऑलरेडी बताया आपको कि वहाँ पर मेटल में बढ़िया तेज आती हुई दिखी। एल्यूमिनियम में भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपको 2% के आसपास का जो है थोड़ी बढ़त आती हुई दिखी, उसके चलते हो सकता है यहाँ पर भी हिंडाल्को में आपको खरीदारी करनी है। टारगेट रखेंगे 432 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 415 का। और जो कुशल आप बात कर रहे थे S&P की, जहाँ पर अपग्रेड की बात करें,
तो आप ऑलरेडी कुछ अगर सिर्फ एक आईटी स्टॉक को अगर आप छोड़ दें, आईटी स्पेस को छोड़ दें, बाकी सभी में आप या तो फिर अर्निंग्स कॉल सुनिए, मैनेजमेंट सुनिए, लगातार वहां पर आपको आउटलुक है। आप अगर आप कैपेक्स की बात करें या फिर कैपिटल गुड सेक्टर की बात करें, सर्विसेज की बात करें, स्पेशली होटल्स एंड इंडस्ट्री, तो इन सभी स्पेसेस पे ऑलरेडी हम तो बुलिश हैं सही, और अब रेटिंग एजेंसीज हैं जो ऑलरेडी अपग्रेड देती हुई जा रही है, तो ये हमारी कन्विक्शन स्टोरी को और अच्छा करती हुई जा रही है। बिल्कुल। बहरहाल रही ऑप्शंस की बात, तो ऑप्शंस में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में फंडामेंटली भी पहले स्टॉक ले चुका हूं और फंडामेंटली ऑलरेडी इसके टारगेट और अचीव हो चुके हैं, और अगर आप देखें टेक्निकली भी ये काफी बढ़िया लग रहा है, लगातार आपको अच्छा खासा जो है मूवमेंट यहां पर आता हुआ दिख रहा है, इसलिए एचडीएफसी लाइफ कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करेंगे 660 का, 25 के आसपास का मिल रहा है आपको वहां पर। जुलाई ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, टारगेट रखेंगे 32.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 22.5 का। चलिए बिल्कुल, तो एचडीएफसी लाइफ लगातार यहां पर भी नजर बनाकर रखनी चाहिए, जिस तरह से यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से एक और बैंकिंग काउंटर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद आईसीआईसीआई बैंक का है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन है 940 रुपये का, वो आपको खरीद कर चलना है, 21 रुपये के आसपास अवेलेबल है। 40 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 13 रुपये का। यहाँ पर खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि S&P ने भी यहाँ पर जो इनकी स्टैंड अलोन क्रेडिट रेटिंग है उसको अपवर्ड रिवाइज कर दिया है, और अब BBB- से बढ़ाकर इन्होंने BBB ये रेटिंग कर दी है, और एजेंसी मानकर चल रही है S&P कि यहाँ पर जो भारतीय बैंकिंग सेक्टर है इसमें एक स्ट्रांग मार्केट पोजिशनिंग ये मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ICICI बैंक यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, इसके कॉल ऑप्शन में जुलाई का कॉल ऑप्शन ये आपको खरीद कर चलना है। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नो पिक, और अरमान आप आज भी बताने वाले टेक्नो फंडा पिक? नहीं बिल्कुल टेक्निक वैसे ऑब्वियसली अगर आप देखें तो मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ सबसे पहले स्टॉक बता दूँ वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम अगर आप देखें, अगर हाउसिंग स्पेस की बात करें या NBFC स्पेस की ओवरऑल बात करें, तो जैसा कि कहें जब से रेड पोज होता है उसके बाद से लगातार यहाँ पर आपको दिखेगा मोमेंटम आता हुआ दिखाई, इनके NIIs जो है थोड़े स्वेल होते हुए दिखते हैं, तो वो तो एक फंडामेंटली एक लंबी स्टोरी है। पर टेक्निकली अगर आप देखें तो टेक्निकली भी ये स्टॉक काफ़ी रोबस्ट है। आप अगर आप मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सितंबर 2022 से बात करें तो वहाँ पर 462 था, दिसंबर में आपको दिखे तो 490 हो गया, अप्रैल में 562 हो गया, जून में 714 के आसपास, और अभी अगर आप मौजूदा भाव देखें तो लगभग 780 के आसपास हो गया। तो टेक्निकली भी आपको ये स्टॉक जो है यहां पर चार्ट काफी बढ़िया आता हुआ दिख रहा है, इसलिए कैनफिन होम्स में खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 804 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 772 का। बिल्कुल अरमान, इनफैक्ट अरमान मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि आप दो कैटेगरीज एक साथ बताने वाले हैं, मैं इसीलिए ही पूछ रहा था क्योंकि टेक्नो के बाद फंडा ही आता है। मैं टेम्प्ट हो जाता हूँ जैसे ही फंडा आता है, पर फिर मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा एक स्पेस दे देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर कैनफिन होम्स पसंद आ रहा है अरमान को, और मेरी तरफ से है मेटल स्पेस का काउंटर सेल, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। काफ़ी दिनों के बाद अब ये मेरे रेडार पर आता हुआ दिख रहा है, और पूरा का पूरा मेटल पैक हो सकता है कि आज भी आपको बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए। इनफैक्ट एक सेक्टर रोटेशन कहीं ना कहीं कल के सत्र से थोड़ा सा ये मूवमेंट समझ आ रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी इसके अच्छे रहे हैं, और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो सेल ने रिलेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं टाटा स्टील को, बट सेल यहाँ पर आज खरीदारी करके चलनी है। जुलाई के फ्यूचर्स में 88 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए, 83 रुपीज का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो टेक्नो पिक के लिहाज से सेल मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर मेटल इंडेक्स में जो तेजी हुई है US में कल के सत्र में, वो हो सकता है कि एक बड़ा सपोर्ट सेल के लिए बनता हुआ नजर आए आज के सत्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फंडा पिक के लिहाज से कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। फंडा पिक में कंस्ट्रक्शन कैपिटल गुड्स कंपनी L&T, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। लगातार आप देखिए ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट पर रहा है, और अब ब्रोकरेज हाउसेस के भी रेडार पर आ रहा है, और ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टेन ने यहाँ पर टारगेट सिग्निफिकेंटली रेस किए हैं। पहले टारगेट था लगभग 2452 रुपये का, उसको बढ़ाकर इन्होंने अब सीधा 2734 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, और अब मौजूदा भाव देखिए तो यहाँ पर 2300 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड, इनफैक्ट 2400 रुपये के आसपास अब L&T ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2900 रुपये ये इसका अगला टारगेट होगा, करीबन 500 रुपये की अपसाइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ अगले 12 महीनों में। फंडामेंटली कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता है L&T जैसे काउंटर के लिए। बिल्कुल, और अगर आप देखें देश की दिग्गज कंपनियां जहाँ पर SBI पर अपग्रेड आया, अब आप L&T पर यहाँ पर आप देखिए इतना बड़ा टारगेट आता है, तो LTI माइंट्री भी आने की बात हो रही है। बिल्कुल निफ्टी में, तो अगर आप देखिए मतलब ओवरऑल स्टोरी कितनी बढ़िया है। L&T एक कंस्ट्रक्शन स्पेस की एक जाइंट है जिसको आप एलिफेंट बोलेंगे यहाँ पर,
वहां पर और SBI वहां पर अपग्रेड दिखा। तो दो ऐसी बड़ी कंपनियां जहां पर आपको अपग्रेड भी आ रहे हैं, टारगेट भी रिवाइज आ रहे हैं, तो ये हमारी स्टोरी बताता है कि स्टोरी कितनी फ्यूचरिस्टिक है। फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक, क्योंकि अगर आप यहां पर अगर आप बात करें, एक तो अगर आप अभी इन कुछ दिनों में आपने कई सारी ब्लॉक डील्स देखी, पर कहीं पर भी बहुत कम ऐसी आपको यह सुनने में आया होगा कि प्रमोटर ने अच्छी खासी यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये एक उस स्टॉक उनमें से है जहां पर प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो लगभग 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी 7 से 8 जून के आसपास जो है वो बढ़ाते हुए दिखे थे। अब उसका रीजन क्या है, आप इनके पांच क्वार्टर से अगर आप लगातार इनके रेवेन्यू को ट्रैक करें, रेवेन्यू धीरे धीरे इनका जो है इंच बाय इंच अगर आपको देखें तो वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जो पहले 76 करोड़ था Q4 में FY22 की बात कर रहा हूं, फिर बढ़कर 87, फिर 108, फिर 109, फिर अभी 112। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, क्योंकि अब इनका अर्निंग्स कॉल अगर आप पढ़ेंगे, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट जो पढ़ेंगे और अर्निंग्स कॉल सुनेंगे, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होती हुई जा रही है कि एक तो जो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है वहां से तो वो थोड़ा लुकआउट कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखें एक्सपेंशन और जो ये वर्क करते हैं 5PL की अगर मैं बात करूं, मतलब फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, जिसका मतलब ये होता है कि ये एंड टू एंड सारी सर्विसेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब कुछ पूरा करते हैं। और यहां पर धीरे धीरे वॉल्यूम्स में आपको ग्रोथ जो है वहां पर आता हुआ जा रहा है, या फिर आप जो टोटल नंबर इनके अगर आप देखेंगे, इन्होंने रिसेंटली अगर 50,000 स्क्वायर फीट का एक वेयरहाउस है जो तमिलनाडु में, वहां पर भी इनोग्रेट करते हुए दिखे थे। तो अब मुझे लग रहा है यहां से स्पेस में इनके साथ अब जो गिरने का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे, तो रिस्क जो है कंपैरेटिवली काफी कंपैरेटिवली कम है, और बढ़ने के लिए सारे जो भी स्पेसेस हैं वहां पर उनके पास अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। इसलिए स्नोमैन लॉजिस्टिक यहां पर खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 55 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक है ये है राइट्स लिमिटेड को आप ये देखिए कि अगर जब भी मार्केट अगर आपको गिरावट आए तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करनी है, क्योंकि एक तो अगर आप कर्ज मुक्त की तो बात मैं हमेशा करता ही हूँ, यहाँ पर ऑर्डर बुक काफ़ी रोबस्ट है, और ऑर्डर बुक में जब कंसल्टेंसी का परसेंटेज जब आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखा था, तब यहाँ पर एक अच्छा खासा बिट डाउन आता हुआ दिखा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे दो थोड़े बहुत ऑर्डर्स हैं वहाँ पर भी आते हुए जा रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल स्पेसेस की बात करेंगे, जहाँ पर FIS की होल्डिंग हुई या फिर आप DIS की होल्डिंग, वहाँ पर जो बढ़ती है वो तो फायदा होता ही है, और रेल स्पेस की ओवरऑल बात करें वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए राइट्स लिमिटेड को हमेशा फोकस में रखें, आप यहां पर ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 460 का। बिल्कुल, तो यहां पर रेलवे स्टॉक्स लगातार फोकस लिस्ट में बने हुए हमारी, और इस वजह से यहां पर अच्छी तेजी उम्मीद करके चल रहे हैं। यहां पर अगले 12 महीनों में 460 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है पावर ग्रिड का काउंटर। अगर आप देखें तो देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 5% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड कंपनी देती हुई दिखती है। साथ ही ROE के लिहाज से भी 20% का ROE है और 11 के PE पर कंपनी उपलब्ध है। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो पावर डिमांड तो एनी विच वेज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही रहती है आजकल, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस वजह से पावर ग्रिड आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बेट बनाकर चल सकते हैं डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। तो अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि 300 रुपये के टारगेट्स अगर पावर ग्रिड दे देती है तो बेहतर है, नहीं तो डिविडेंड यील्ड का तो फायदा आप ले ही सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिए आज से पावर ग्रिड मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ खबरों के दम पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है SBI का। तो अरमान आपने SBI की बात की और SNP ने यहां पर अपग्रेड किया है पहली बार 2012 के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जो अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है स्टैंड अलोन क्रेडिट रेटिंग ये रिवाइज किए इन्होंने, उससे मुझे लग रहा है कि यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर पर और मजबूती बन सकती है। कल के दिन में तो अच्छी तेजी थी ही, तो 590 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है SBI में। इसके जुलाई फ्यूचर्स में 562 रुपए का रखेंगे स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है नेल्को, रीजन वही है, अंतरराष्ट्रीय अगर आप देखें मेटल के भाव में वहां पर आपको तेजी आती हुई दिखे, उसके चलते यहां पर भी आपको दिखेगा, हो सकता है जो मोमेंट है वो यहां पर कंटिन्यू आता हुआ दिखे। इसलिए टारगेट रखेंगे 84.7 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 81.5 का। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माय चॉइस की तरफ। माय चॉइस में हमारी तरफ से जैसे कि हमने बताया था ब्रेक के जाने के पहले कि 6 के 6 बाई कॉल्स हैं मेरी तरफ से, जो 3 बाई कॉल्स हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है टाटा स्टील मेटल इंडेक्स, अगेन जिस तरह की तेजी वहां पर बनी है उस वजह से ये फोकस में रहेगा, और साथ ही टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के मर्जर के लिए शेयरधारकों से भी मंजूरी मिल चुकी है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर इनके लिए प्ले आउट कर सकता है। 115 रुपए का टारगेट रखिए, 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा कॉल है एशियन पेंट्स पर, कल कच्चा तेल देखिए 2% गिरकर लगभग $72 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया है, और पिछले एक महीने का चार्ट भी देखेंगे तो 3100 से 3300 रुपए के पार अब जाता हुआ दिख रहा है एशियन पेंट्स का काउंटर। तो जुलाई फ्यूचर्स इसके खरीदारी करके चलिए 3440 रुपए के लिए, 3290 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है LTI माइंट्री पर, कल जिस तरह की तेजी बनी थी HDFC बैंक के मर्जर की जो डेट्स आती हुई दिखी है उसके बाद एक्सपेक्टेशंस यही है कि LTI माइंट्री निफ्टी का हिस्सा बन सकता है और अच्छे इन्फ्लोज आ सकते हैं, तो उसके पहले प्री बाइंग कल हमने देखी और आज भी मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है। 5300 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 5100 रुपए का रखें स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में जो मैंने दो स्टॉक लिए हैं वो
वो तो बैक टू बैक अगर आप देखें लेमेंट्री होटल इंडियन होटल, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ICI वर्ल्ड कप के जैसे वेन्यू अनाउंस होते हुए दिखे तो यहाँ पर इन होटल्स में आपको अच्छी खासी जो है उस दिन के आसपास जो है जिस दिन मैच है उसके आसपास आपको बुकिंग्स अच्छी आती हुई दिखी और प्राइजेज में भी आपको थोड़ा मूवमेंट जो है अच्छा खासा आता हुआ दिखा है। इसलिए लेमेंट्री होटल बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 96 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 92 का और इंडियन होटल यहाँ पर भी बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 395 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 379.5 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक जो मैंने लिया है वो है हिंदुस्तान जिंक जो कि मेटल के भाव में, अगर आप जिंक में भी देखें तो गिरावट आई थी, गिरावट से थोड़ी बहुत आपको थोड़ा बहुत जो है रिकवरी आती हुई दिख रही है वो चलता है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी जो है थोड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखे, टारगेट रखेंगे 315 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 302 का। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस के सारे स्टॉक्स भी अब पूरे हो चुके हैं पर पूरी की पूरी कैटेगरीज के साथ जो हम क्विक रिकैप करते हैं अब उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से कैश सेगमेंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर, S&P ने जो रेटिंग अपग्रेड किया है उसका फायदा मिलेगा, साथ ही मेटल इंडेक्स में US में कल काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी तो उस वजह से GSPL फोकस करके चलिए, ICICI बैंक यहाँ पर भी S&P की अच्छी स्टैंडर्ड क्रेडिट रेटिंग में रिविजन हुआ है, खरीदारी करके चल सकते हैं इसके ऑप्शन में और सेल यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है, टेक्निकल चार्ट्स भी अच्छे हैं। लंबी अवधि के लिए फंडा पिक में L&T और निवेश के लिहाज से पावर ग्रिड पर फोकस करके चलिए, खबरों के दम पर SBI फोकस में रहेगा, जुलाई फ्यूचर्स यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए, कल के सत्र में बेहतरीन तेजी बनी थी और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और LTI माइंडट्री यहाँ पर करकर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है पावर ग्रिड, बढ़िया डिविडेंड डील है 5% के आसपास की, ROE भी बेहतरीन है, अगले एक साल में यहाँ पर आप जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इसको खरीद कर चल सकते हैं बेहतरीन तेजी 300 रुपए के टारगेट्स के लिए। देखिए कर लेते हैं रिकैप, कैश में टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है वो बढ़िया लग रहा है, फ्यूचर्स में हिंडालको में खरीदारी करेंगे ऑप्शंस के हिसाब से, HDFC लाइफ जो लगातार तेजी में है, टेक्निकली कैनफिन होम्स अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली स्नोमैन लॉजिस्टिक में जो है जो चेंज आता हुआ जा रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से राइट्स लिमिटेड में खरीदारी करेंगे, खबरों के हिसाब से नेल्को वहां पर खरीदारी करेंगे और माई चॉइस में लेमेंट्री और इंडियन होटल दोनों में जो अगर आप देखें वर्ल्ड कप के बाद जो मूवमेंट आता दिखा है वहां पर उस खरीदारी करेंगे और हिंदुस्तान जिंक जहां पर भी अगर आप देखें जो मेटल इंडेक्स में आपको तेजी आई है उसका हो सकता है फायदा आता हुआ दिखे और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक, अगर आप देखें 5 क्वार्टर से लगातार इंप्रूवमेंट होता हुआ जा रहा है और यहां से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, तो चलिए हमने रिकैप तो पूरा कर लिया है पर बाजार आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका में जिस तरह की तेज़ी आती हुई दिखी है, SGX निफ्टी भी अच्छी इंडिकेशंस लगा रहा है पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मंथली एक्सपायरी के दिन आज निफ्टी पर नया लाइफ हाई बनेगा या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास, फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग अरमान, बिल्कुल पूरा इंतजार है क्या आज नया हाई बन सकता है या नहीं, कल के दमदार रिबाउंड से बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ग्लोबल मार्केट्स भी आज सुबह अच्छी दिख रही हैं, हमारे बाजार में एक्सपायरी भी है और मिडवीक सेशन भी है, कल की छुट्टी का भी इंतजार, बहुत कुछ होने वाला है आज बाजार में, आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।